गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग, बढ़िया हैं सब लोग। आज दोस्तों हमारा टाइम है पूरा का पूरा। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज हम लोग टेस्ट लेकर आए हैं और टेस्ट बड़ा शानदार है। और टेस्ट में आप हर एक क्वेश्चन आपके लिए नया है और नए क्वेश्चन को बहुत मैंने सोच समझ के बनाया, जिसमें आपकी डिटेलिंग काफी करी है मैंने, तो उसका सबका फायदा उठाना है आपको। बढ़िया, जितना अच्छे से फायदा उठा सकते हो। अभी स्टूडेंट आए नहीं, जुड़े नहीं, जल्दी से आ जाए। बाकी सारे लोग, टेस्ट वन है अभी, मैं स्लाइड लगाता हूँ तब तक, और बाकी लोग भी अब जुड़ रहे होंगे। जैसे जैसे नोटिफिकेशन पहुंचेगा उनके पास, सब लोग जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे वो लोग भी, और मैं आपके तब तक ये स्लाइड लगाता हूँ। ठीक है, ये रहे स्लाइड आपकी। और आज का एडिटोरियल देखा था दोस्तों आप लोगों ने, मॉर्निंग का सब लोगों ने देखा था? गुड, रेगुलरली बस उसे कंटिन्यू करते जाना। रीडिंग आपकी इतनी इंप्रूव होती जाएगी, नॉलेज इंप्रूव तो होगी, रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब उसी रीडिंग का ही तो मेन खेल है सब पूरा, है ना? पूरा खेल रीडिंग का है। साइड करता हूं मैं। देखो, आप में से वो लोग जो बिल्कुल एकदम नए हैं ना, उन्हें पता नहीं होगा पैटर्न कैसा है। मैं बिल्कुल एकदम टेस्ट ना टेस्ट जैसे ही दिखाऊंगा आपको, एकदम पैनल टेस्ट जैसे, टेस्ट का जैसा पैनल होता है वैसे ही पैनल आपको दिखेगा। उसी पैनल के हिसाब से आपको करना है। जैसे कि शुरुआत हम करते हैं हमेशा से एक अपने अंदर रखते हुए जज्बा कि आपको वॉरियर बनना है, वरियर नहीं बनना। हर बात की जो चिंता आपको होती है, डर होता है कि हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपना यहाँ पर टाइम मैक्सिमम क्रूशियल अभी का टाइम दे रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ टाइम बाद फिर आपको जब ऐसा लगने लग जाता है तो आप स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो तैयारी। बस वो नहीं करनी है आपको, वॉरियर बनना है, आपको जीत के जाना है, वॉरियर नहीं बनना है। इस चीज को अपने दिमाग में रखो, बस आगे बढ़ते जाओ। यही है अच्छी जो चीज आपको दिमाग में रखेगी और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आज के दोस्तों टेस्ट कौन कौन से है मैं टाइम एक बार बता दूं। अभी एक पहला टेस्ट अभी है 9 बजे, फिर उसके बाद हम शाम को मिलेंगे, मतलब दोपहर में 3 बजे 4 बजे दो टेस्ट हम यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद 7 बजे 8 बजे दो टेस्ट हम यहाँ करेंगे। तो बेसिकली इस तरीके से आज आपके मैंने 5 टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो उन सभी के सभी टेस्ट को एनरोल कर लेना, फिर हम करेंगे उसको डिस्कशन। लोग भी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, तब तक आपको कुछ बातें बता दूं। बिल्कुल एकदम नए आए हो ना क्लास में, अगर बिल्कुल नए हो तो आपके लिए सबसे शानदार चीज ये है, YouTube पर क्लास होती है। आज नहीं है क्लास, है ना? आज क्लास तो यहाँ है, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं है। सॉरी, बाकी मंडे को दोस्तों होली है, तो मंडे को ऑफिशियली हम छुट्टी रखेंगे, होली है। तो बाकी मैं अपने साथ आपको जोड़ने की कोशिश करता रहूंगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वहां से हम लोग जुड़े रहेंगे और वहां से मैं आपको बताता रहूंगा क्या है डिस्कशन। थोड़े मौज मस्ती होती रहेगी, वो भी जरूरी है, बट ऑफिशियली जो क्लास है वो आपकी नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, आप सबको पता रहना चाहिए ना कि क्लास कौन सी है कौन सी नहीं। तो वो होली है, तो होली में मैं भी अपने घर रहूंगा, तो आप लोग भी अपने घर रहो, सेफ होली खेलो। बहुत ज्यादा लिपटा लुपटी मत कर लेना किसी से, हाँ बाद में हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाए तुम्हें, है ना? कोरोना का ध्यान रखना, दूर दूर से होली खेलना, ठीक है? चलो आओ, स्पेशली लड़कों को, हमारे यहाँ तो होता है ना, भूल जाते हैं लड़के, कहते बस अब तो खेलते होली ना, ऐसा ना करना, बैग मत जाना दोस्तों। हाँ चलो, और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं दोस्तों, आप लोग अगर प्लस पर नहीं है, प्लस पर आना चाहते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करके आप प्लस पर आ सकते हैं। न्यू बैच अब जो स्टार्ट होने वाला है वो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से डेफिनेटली, 2, 4, 6 या 7 तारीख के आसपास से, तो हम तब उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो, बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है सभी न्यू स्टूडेंट को, अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों, और ये एवरी संडे, अब नेक्स्ट संडे होगा तो नेक्स्ट संडे ये टेस्ट है। आप जाकर इस टेस्ट को जरूर देना, एनरोल कर लेना, इससे एनरोलमेंट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना? अपने पास पैनल है, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं 60 सेकेंड दूंगा। क्वेश्चन को देखकर अगर किसी के अंदर ये लगे कि सर ये तो डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो रहा है, स्किप कर देते हैं और क्लास को कर दे रहे हैं बंद, ऐसा अगर आपके दिमाग में आए तो भैया, ऐसा अगर आता है तो फिर सिलेक्शन की कगार पे आप नहीं पहुंच सकते। आपको नहीं आता इसीलिए ही आप सीखने आए हैं,
इसीलिए आज होगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे, हम उन सभी क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन को सीखेंगे। तो चाहे सही हो चाहे गलत, आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी है। जब आप 100% दोगे तो आंसर कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। सबसे पहले आपको पढ़ लेनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन पढ़ लो तो लिख देना डन, पढ़ लो डायरेक्शन क्या है। हो गया डायरेक्शन, डायरेक्शन डन, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं, यह है आपके सामने क्वेश्चन, 60 सेकेंड्स है करना आपको। ओके दोस्तों, पोल लेंगे, पोल में आंसर करेंगे, ओनली पोल, पोल, बहुत बढ़िया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतने लोग भी करेक्ट होंगे, बट आप लोग करेक्ट हुए तो अच्छी बात है, वेरी गुड। जितनों का करेक्ट हुआ, जितनों का गलत हुआ, वेल ट्राइड, आपने पूरी कोशिश करी है, बहुत बढ़िया। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं सब समझाऊंगा, सब सिखाऊंगा, बट वो पांच पांच क्वेश्चन के सेट के बाद। चलो 50% लोग करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है, 50% लोग करेक्ट है, शाबाश। नेक्स्ट में आते हैं, करें जरा 60 सेकेंड। ओके दोस्तों, पोल, पोल में आंसर करेंगे। ओहो, ये तो गलत हो गया ज्यादा, ठीक है, काफी कुछ इस वाले में सीखने को मिलेगा। हाँ, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले में। हम लोग लिखते जाएंगे किसमें कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्या करना है इसमें। इसमें ना डांस करना है, वो वाला ऋतिक रोशन वाला स्टेप करना है, करके दिखाओगे। क्या करना है, ये है बाबूजी, बाबूजी आए हैं लेट, बाबूजी आए आराम से, मस्त खाना पीना खा के ना धो के, बाबूजी इसमें आपको बताना है क्या गलती है। ये जो डार्क डार्क लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक,
क्या अगर ये सही है तो ठीक है, क्या इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे ये बताना है। दूसरा ये दिया है यहां से लेकर यहां तक, वो सही है तो ठीक, क्या उसकी जगह इसे रिप्लेस करेंगे ये बताना है। या तो ये इसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे तो ये बताना है, ये बताना है बाबूजी। ठीक है, चलो समझ में आ गया। आप चिंता मत करिए, आप आराम से लेट आइए, आप एंड में आओ ना, बिल्कुल एकदम एंड में आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये बाकी बेचारे लोग जल्दी आ गए टाइम से। ओहो चलो करना 60 सेकंड। पोल पोल लेंगे, बताएं वेरी गुड, शाबाश, काफी लोग करेक्ट हुए। नाइस, खाता खुल गया ना, खाता खुल गया, तुरु हो गया। अरे तुरु तुरु तुरु, इनका तुरु हो गया करेक्ट। 56, ओके 56, 55% लोग करेक्ट, परफेक्ट, 55% लोग करेक्ट, शाबाश। ओके अभी फिलहाल संजू जंगीत फर्स्ट पे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखो, कम ऑन। परफेक्ट, पोल लीजिए पोल। हाँ ये क्या हो गया, हाँ अरे यार जबरदस्ती गलती नहीं ढूंढनी, नहीं गलत है तो क्यों गलत कह रहे हो, बताओ। आपकी जिंदगी में बहुत से लोग होंगे, या मैं समझ गया उनको जबरदस्ती आप गलत ही कहते रहते हो, नहीं ये गलत किया, ये गलत किया, तुमने ये गलत किया है, बेचारा वो बताओ वो व्यक्ति सही था। 18% लोग ही पहचान पाए सही को है, ऐसा मत किया करो, ध्यान से देखो। अभिनव फर्स्ट पे आ गए अभी फिलहाल, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये 0.2 सेकंड में कैसे आंसर कर देते हैं, इसकी इतनी टेंशन मत लो, टॉप 10 की भी टेंशन मत लो, आपके आंसर सही जाए बस, इसका देखो। वो तो टेक्निकल चीजें होती हैं, आपका इंटरनेट स्पीड कैसी है, कितनी देर में पहुंच रहा है, लैपटॉप पर जल्दी आ रहा है, फोन पे आ रहा है, तो उसकी इतनी टेंशन मत लिया करो, ठीक है। आप बस आंसर सही होना चाहिए आपका, ठीक है। देखो
एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिला देगा, डोंट वरी, है ना। कोल अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि हाँ चलो कभी गलत भी होता है कभी सही भी होता है, लेकिन चांसेस हैं, कुछ तो आता है, दिल को तसल्ली है। बिल्कुल एकदम जीरो तो नहीं है, कुछ तो आता है। चलो ठीक है, गलत जितने लोगों का होता है कोई बात नहीं है, सही जितने लोगों का होता है, एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 56% लोग करेक्ट है, वेरी गुड। चलो शाबाश, 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए। इन 5 क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग फटाफट से कि किसमें क्या है तो क्यों है। ठीक है, तो जरा एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। खाता खुल गया, चलो बढ़िया। अब जरा सुनते जाओ एक ही करके। नॉर्थ कोरिया हैज रिमेन रिलेटिवली क्वाइट, नॉर्थ कोरिया रिलेटिवली शांत बना रहता है एट अ टाइम व्हेन द अदर पार्ट ऑफ द संडर्ड पेनिनसुला, संडर्ड पेनिनसुला, संडर्ड मतलब होता है ना डीप, एकदम खाई हो गई, दो हिस्सों में बट गया नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ साउथ कोरिया। तो जो अदर पार्ट है वो साउथ कोरिया जब तक कुछ नहीं करता, साउथ कोरिया की बात है, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर लग गया है ना, जब तक कि वो हैज गैलॉप, जब तक वो गैलॉप नहीं होता, गैलॉप मतलब इन्वॉल्व नहीं होता ऐसी एक्टिविटी में, अहीड एंड फाउंड प्लेस इन दी ओईसीडी ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। बाकी करेक्ट है सर, यही गड़बड़ था, पहचान में आ गया। यहाँ पर अदर पार्ट्स करेंगे क्या ये पूछ रहे हो ना दोस्त, ऐसा होता है जब हम कहते हैं, एक बार रेनिन मार्टिन वाली ही सेशन में मैं पढ़ा रहा था, एक तरफ ये दूसरी तरफ ये, जब हम ऐसा सेंस आता है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो, बहुत शानदार कंफ्यूजन आया यहाँ पर, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, जब हम ये कहते हैं एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये, तब हम लिखते हैं कि एक तरफ ये, एक तरफ वाली बात को तो उन्होंने कुछ भी बताया, दूसरी तरफ वाली बात को वो अदर करके बताते हैं, अदर और वो नाउन सिंगुलर होता है, क्योंकि यहां पर ये अदर वो नहीं बता रहे, बाकी नहीं बता रहे, जैसे कि हम जब बाकी अदर कहते हैं तो हम कहते हैं अदर पीपल, तो हम कहते हैं दूसरे लोग, ये सेंस अलग होता है, अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स, अदर कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट्स, वो प्लूरल रहता है, बट जब ये सेंस आता है एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ ऐसा, ये पेयर में ये सेंस आता है, तो वहां पर हमेशा आप अदर लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे लिखा नॉर्थ कोरिया, एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया हमेशा एकदम शांत रहता है, बट दूसरी तरफ जो साउथ कोरिया है ये आपको ऑटोमेटिकली ऐसा सेंस देगा, जहां जहां ऐसा सेंस देगा आपको हमेशा वो सिंगुलर रहेगा, क्योंकि वो अदर मतलब पढ़कर पता चल गया ना कि अब बहुत सारे हिस्सों की बात थोड़ी कर रहे, अदर पार्ट एक ही पार्ट है उसका, बहुत सारे हिस्सों की तो बात नहीं करे, सिंपल अदर पार्ट है, दूसरा पार्ट है सेंडर्ड पेनिनसुला, उस पेनिनसुला के हिस्से का दूसरा पार्ट है, ऐसे करके अदर पार्ट मीन्स साउथ कोरिया, एग्जैक्टली राजीव पॉल, समझ गए ना दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जैसे कि कहते हैं कि एट दी वन हैंड ऐसा है एंड दी अदर हैंड, जब आप कहते हैं एट दी वन हैंड ऐसा है एंड दी अदर हैंड, तो आप ऐसे यूज करते हैं एंड दी अदर हैंड, क्या आप ऐसे यूज करते हैं अदर हैंड्स, नहीं ना, ऑन दी वन हैंड ऐसा ऑन दी अदर हैंड, तो ऑन दी अदर हैंड का मतलब एक्चुअली वो दूसरे हाथों की बात नहीं करे, वो एक्चुअली दूसरे पक्ष की बात करे, दूसरे तरफ की बात करे, ऐसे करके, समझ गए दोस्तों, ये कंफ्यूजन अच्छा था, क्लियर हो गया, वेरी गुड। दूसरा कंफ्यूजन आ रहा है सर, ग्रुप की जगह ग्रुप्स नहीं करेंगे, क्यों करेंगे दोस्त, ओईसीडी ग्रुप का नाम, ग्रुप क्या करोगे, ठीक है समझ गए। अब इधर आ जाओ, ये तो सारे ही करेक्ट था, लेकिन यहां क्या आपका कंफ्यूजन है ये वाला आप बता देना है ना।
मोरल इंटीग्रिटी डज नॉट मीन आइडियोलॉजिकल कॉन्सिस्टेंसी। अगर आप मोरली ऑनेस्ट है, मोरल इंटीग्रिटी मतलब मोरली अगर आप ऑनेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आइडियोलॉजिकली कॉन्सिस्टेंट है, लगातार किसी एक ही विचारधारा पर है। मोरली अगर आप ऑनेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार किसी एक विचारधारा पर है। नॉर बींग सॉफ्ट ऑन वन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पर सॉफ्ट भी नहीं है। तो जैसे ही यहां पर हमारा नॉर आया, इसका डाउट मैं क्लियर करता हूं। देखो ये रूल होता है दोस्तों, रूल समझो। ये रूल तो सबको पता है कि नीदर लिखा होता है तो इसका जो पेयर दूसरी तरफ होता है तो नॉर होता है ना, है ना। हाँ ये तो सबको पता है, लेकिन 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 अगर कभी सेंटेंस हमारा नीदर नॉर से नहीं बना है, सेंटेंस ऐसा बना, एक सेंटेंस है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे होगा, डू नॉट लिखा होगा, डज नॉट लिखा होगा, डिड नॉट लिखा होगा, हैव नॉट, हैज नॉट, कुछ भी करके, नॉट करके, कुछ भी करके, नॉट करके लिखा, वो नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस आप कनेक्ट करोगे ना, तो दूसरा सेंटेंस आप कैसे बनेगा, या तो वहां पर नीदर लिखा होता है या फिर वहां पर नॉर लिखा होता, अकेला सिर्फ एक ही लिखा होता, या तो नीदर से बन जाता है या नॉर, सिर्फ अकेला हम क्या लिखते हैं सेंटेंस होता है ना पूरा नीदर नॉर होता है, फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है। एक्चुअली यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब नहीं है। यहां पर क्या आ गया, नॉर लिख दिया इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। आपने बींग लगा दिया, होने की बात हो रही है, वर्ब लगा दिया, बींग है और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट नहीं था इसलिए वो पूरा नहीं आया, लेकिन वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। बात समझ में आई, आइडियोलॉजिकल का मतलब विचारधारा, बात समझ में, और एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नॉर की जगह सिर्फ नीदर लिखा होता ना तो भी एब्सोल्युटली करेक्ट होता, नॉर की जगह सिर्फ नीदर लिखा होता तो भी एब्सोल्युटली करेक्ट होता। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? बट सर यहां नॉर नीदर से कोई एक कैसे, अरे कोई एक ऐसे यार, कैसे बताऊं अब तुम्हें, तुम हो ठीक है और तुम्हारी एक दोस्त है, ये रही, चलो ऐसी वाली दोस्त है, ठीक है भाई, साथ में जाते हो, घूमते हो, बढ़िया है, घूमो ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा। अरे तो क्या वो अकेले नहीं घूम सकती, उसका कभी मन कर रहा अकेले घूमने जाने का, अकेले नहीं घूमने जा सकती, तुम अकेले घूमने नहीं जा सकते क्या, कि नहीं साथ में ही घूमोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, साथ में घूम रहे हो बढ़िया है, अच्छी बात है, घूमो 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 घूमो, अकेले भी घूम सकते हैं, अकेले घूम सकते तो यही है, नीदर अकेला भी आता है, नॉर अकेला भी आता है, हमें समझना पड़ेगा, समझ गए, तो याद कर लो। अब जो आदमी नहीं मानता कि नहीं अकेले नहीं, अकेले नहीं, तो बर्बाद हो जाता है यार, कुछ नहीं हो सकते, समझ गए। बस ऐसे नीदर अकेला भी जा सकता है, नॉर अकेला भी जा सकता है, नोट कर लेना, हमें से रेस करता हूं, अब सीख गए। सुनो अब मतलब क्या है इसका, मोरल इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आइडियोलॉजिकली कॉन्सिस्टेंसी हो, यानी कहने का मतलब है कि किसी एक एक ही सेम विचारधारा का रहे, नॉर बींग सॉफ्ट, और ऐसा भी नहीं किसी एक प्रिंसिपल को लेकर सॉफ्ट बना रहे, सॉफ्ट का मतलब ये हो जाता है रिजिड ना हो, मतलब ऐसे भी नहीं कि फ्लेक्सिबल हो, टू अकोमोडेट अनदर, दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, ये दिखाता है एक साइन, ए साइन ऑफ मोरल अपॉर्चुनिज्म, ये मोरल अपॉर्चुनिज्म का एक संदेश है कि आप क्या रखते हैं, कि ऐसा नहीं कि किसी एक पे रिजिड है और ऐसा भी नहीं किसी पे सॉफ्ट है, आप बड़े कॉमन टाइप के से रहते हैं, ये एक साइन होता है अपॉर्चुनिज्म का, यानी कि लोगों को आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, लोगों को आप जो जो करना चाहते हैं उसे करने देने देते हैं, ये कहने का मतलब है, मतलब समझ में आ गया है ना। अकोमोडेट का मतलब दो मतलब होते हैं, एक अकोमोडेशन वो होता है रहने वाला, एक अकोमोडेट होता है हेल्प करना किसी के, ठीक है ऐसे करके याद रखना है। ओके थर्ड वाले को देखो, द वास्ट कैस्म ऑफ पावर, पावर की जो चमक दमक, कहने का मतलब है उसकी ज्यादा पावर जो होती है वो होती है कैस्म, मतलब कैस्म के ना कई सारे मतलब होते हैं, कैस्म के कई सारे मतलब होते हैं, एक एक मतलब है जो यहां पर ऐसे करके यूज हो रखा है, जैसे क्या होता है किसी भी चीज के बारे में, एक तो कैस्म होती खाई, सुने खाई, खाई कैस्म, खाई है ना, सुने खाई होती है, ड्रिफ्ट जिसे बोलते हैं ठीक है, और एक क्या होता है कि पावर को लेकर डिफरेंसेस,
कि किसके पास कितनी पावर है, तो वो खाई वाली पावर होती है। डॉक्टर कहता है हमारे पास ये पावर, नर्स कहती है हमारे पास ये पावर है, फॉर एग्जाम्पल। तो लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऐसे करके। तो जो वास्ट कैज्म ऑफ पावर है, पावर का जो डिफरेंस है बेसिकली, वो बिटवीन डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन इंडिया, इंडिया में डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहली गलती तो ये आ गई, डज लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पर जो नर्सेज हैं आर मोस्टली सीन, जिनको अक्सर देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है एज कॉलीग्स बाय डॉक्टर, डॉक्टर्स के अंदर कॉलीग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ये करेक्ट, अपने देश में खैर ऐसा नहीं होता, अपने देश में थोड़ा वैसा वाला ज्यादा रहता है कि मैं हायर पोजीशन पे हूँ तो मैं बड़ा हूँ, तुम लोअर पोजीशन पे तो तुम छोटे हो, ये अपने देश में चलता रहता है बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंस समझ में आ गया, सेंस ट्रीटेड इसलिए कहेंगे, थर्ड फॉर्म चाहिए होगी ना, ये आर लिखा ये थर्ड फॉर्म, तो ये भी थर्ड फॉर्म पैसिव है ना। बिटवीन क्यों नहीं लगाया, बिटवीन? अरे मेरे चंगू मंगू, तुम लोग सुनते कम हो, पता नहीं कहां कहां ध्यान रहता है तुम लोगों का। ये जो कैज्म के बारे में बता रहा हूं, तो कैज्म ये वो डिफरेंस थोड़ी ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कैज्म मतलब जिस तरीके का उसमें एक अंतर होता है, अंतर वो अंतर नहीं है कि इन दोनों के बीच का अंतर बताओ, हम बिटवीन लगाएंगे दो लोग के बीच। अरे वो दो लोग के बीच का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ फीलिंग्स, डिफरेंस ऑफ पावर, वो स्लाइट अंतर, वो अंतर उन दोनों के बीच का अंतर, अंतर थोड़ी है कि इसके और इसके बीच बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, बिटवीन ठीक है, बट बिटवीन को लेकर वो मकसद नहीं है, वैसा करके लगाएंगे, क्या समझाऊं मैं, जनरल है, बहुत जनरल बात है, सुनते नहीं हो तुम लोग। चलो इसको देखो, कंसीडरिंग एवरेज साइज्ड न्यूक्लियर प्लांट्स, एवरेज साइज्ड न्यूक्लियर प्लांट्स को कंसीडर करते हुए, ध्यान रखते हुए, कॉस्ट अराउंड 5 to 6 billion dollars, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 5 to 6 billion dollars है, ये ऐसा कुछ कह रहे हैं यहां पर। ठीक है, ओके, टू बिल्ड, बनाने के लिए द टोटल कॉस्ट ऑफ डी कमीशनिंग एंड एंटॉपमेंट इन द नेक्स्ट 50 to 100 years। डीकमीशन करने का मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि किसी भी चीज की आप पावर को ना, पावर का ही मतलब सेंस आता है डीकमीशन का, कि कोई काम आप कर रहे हो जिसमें आपने उसकी पावर को ना कम कर दिया, विड्रॉ कर लिया, कोई चीज हटा ली वहां से, वेपन है वगैरह वो सब, तो वो डीकमीशन कर लेना, तो उसको डीकमीशन करना। एंटोमेंट का भी मतलब यही हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया किसी चीज में, जैसे मिलिट्री में क्या होता है, मतलब वहां पर ही आपको इस तरीके के वर्ड ज्यादा सुनने को मिलेंगे, मिलिट्री में ऑडिटोरियल जब आप इस तरीके कर रहे होते हो, तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी जगह है फॉर एग्जाम्पल जहां पर आप उसको दफना दे रहे हो, वो कोई बॉम्ब बनाया कुछ बना, उसे खत्म कर देना, उसे जार रखना, तो वो जगह बेसिकली कहला दी जाती है, तो एंटोपमेंट कहलाता है कि वो आपकी एंटोपमेंट है। जैसे नहीं होता किसी को दफन कर दिया तो उसकी कब्र होती है, कब्र नहीं होती कब्र, तो एक्चुअली इसमें कब्र का मतलब नहीं, बट इसमें ये होता है कि वो उसको जो भी वेपन है उस वेपन को क्या है कि हटा देना, उस वेपन को डीकमीशन कर देना, उससे सबको खत्म करने का, ध्वस्त करने का जो एक कॉस्ट है, तो ये वो सेंस आता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग एंड एंटॉपमेंट, उसे डीकमीशन करना और एंटॉपमेंट ध्वस्त करने का जो पूरा का पूरा मतलब उस कॉस्ट होगी नेक्स्ट 50 टू 60 इयर्स में, कुड टर्न आउट टू बी सेवरल ट्रिलियन डॉलर्स, तो कई ट्रिलियन डॉलर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि उसको बनाने की कॉस्ट तो 5 to 6 billion dollars है, लेकिन उसे खत्म करने की कॉस्ट तो कई ट्रिलियन डॉलर्स होगी। मतलब समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये इसका मतलब है। तो कंसीडरिंग ना होगा तो सिंपल वही होगा, सीइंग, ये देखते हुए, सीइंग दैट एन एवरेज साइज न्यूक्लियर प्लांट, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट लिखा है ये वर्ब है और वर्ब में एस और एस लगा हुआ है, एस और एस का मतलब है जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका सिंगुलर होना चाहिए, और जो यहाँ पर हाईलाइट करके दिया हुआ है ये प्लांट्स दिया हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए गलत है, सिंगुलर वाले में यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ कंसिडरिंग लिखेंगे बात वही है, सीइंग का भी मतलब सेंस वही आएगा, एन एवरेज साइज न्यूक्लियर प्लांट, ऐसे करके आंसर, इस वजह से आंसर हुआ। समझ में आया दोस्तों? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब गलत हो जाएगा ना, कंसीडरिंग कॉस्ट नहीं आएगी ना, कॉस्ट तो उसको बनाने की आएगी ना, वो एक्चुअली मतलब गलत है, यहां से मतलब सही आएगा, सीइंग दैट, ये देखते हुए कि वो प्लांट है, प्लांट की कॉस्ट कितनी है ना,
ऐसे करके। कुड टर्म का मतलब पॉसिबिलिटी को बताता है, कुड का मतलब ये पास्ट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। कुड टर्न ये पास्ट नहीं है, पॉसिबिलिटी। जैसे हमने कहा यू कुड गो देयर, आप वहां जा सकते हो, मतलब ये पॉसिबिलिटी, आप जा सकते हो। इट कुड बी बेटर, ये बेहतर हो सकता है। जब हम कहते हैं इट कुड बी बेटर, ये बेहतर हो सकता है, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी, फ्यूचर का सेंस की पॉसिबिलिटी होती है। सुना ना इस तरीके से, कुड यू डू इट प्लीज, क्या आप ऐसा करेंगे, ऐसे करके, समझ गए। ये सॉलिड था है प्रतीक। और प्रतीक तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है? काफी टाइम से मैंने तुमको देखा नहीं है क्लास में आते हुए, तो होशियार बच्चे हो। विल टर्निंग रॉन्ग हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। आ रहे हो रेगुलर, चलो ठीक है, इसको चलते हैं। प्रतीक टॉपर है, प्रतीक टॉपर नहीं है, प्रतीक पढ़ता है, पढ़ाई करता है, और तुम भी पढ़ाई करते हो, तुम्हें सब लोगों को याद रहता है। हाँ सब याद है मेरे को, जिनकी हरकतें ज्यादा खराब होती है वो भी याद रहते हैं, और जिनकी हरकतें बहुत अच्छी होती है वो भी याद रहते हैं। दी प्रायोरिटाइजेशन बाई द चीफ, चीफ के द्वारा जो प्रायोरिटाइजेशन है वो क्या करता है, वो जो करता होगा, इंडेफिनिट है, तो एक गड़बड़ तो यहीं पे आ गई, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट डेफिनिट वाला बनेगा, कन्वेइंग गलत, एस लगाओ, ये कन्वेज हो गया, कन्वे करता है। दैट द आर्मी इन स्पेसिफिकली इज कंपेल, आर्मी को स्पेसिफिक तरीके से मजबूर किया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इमीडिएट डेटरेंस, की इमीडिएट डेटरेंस क्रिएट किया जाए। डेटरेंस का मतलब होता है लोगों के नहीं, मतलब जिसके भी अगेंस्ट है उसको डिस्करेज किया जाए, ताकि वो कुछ गलत काम ना करे, तो ऐसे किया जाए रेदर देन कुछ और काम करने से। अभी कुछ दिन पहले कई सारे लोगों को गलत जो हुआ होगा, उस वजह से गलत हुआ होगा, कुछ दिन पहले अभी हम वर्ब का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां पर ये पढ़ते हैं रेदर देन लिखा होता है, तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे करके, रेदर देन लिखा होता है तो लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। पर दिक्कत क्या है कि हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा होता है, पूरा पढ़ना होता है, ये पूरा पढ़ना, ये कि सब्जेक्ट होगा, वो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब भी तो होती है, उसके बाद हम कहते हैं दो कंपेयर कर रहे होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, फिर वो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तब तो वहीं पर ही लगता है रहता देन, वहीं पर ही लगता रहता है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हमें ये देखना होता है। लेकिन जब हम कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, तो हमने कहा उनका क्या करना है, कंपेयर करता है, कॉन्सेंट्रेट करना है कुछ और काम करने से, कुछ कॉन्सेंट्रेट करना है कुछ और काम करने से। फॉर एग्जाम्पल यहां लगा कंपेल टू, तो ये वर्ब अलग है कंपेल टू, जिसके साथ 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि इसके साथ भी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब कभी आपके पास कंपेयर करने के लिए नहीं होता है, तो सिंपल जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता है, हालांकि ये इस वजह से करेक्ट है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है टेकिंग द बैटल इनटू एनिमी टेरिटरी, जब आप किसी को किसी टेरिटरी के अंदर ले जाते हो, तो वो आपका इनटू करके उस प्लेस की जगह आता है, दैट इज व्हाई आपका करेक्ट आंसर है, वो फॉर करके रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है ना। चलो डन, बढ़िया, ये पांच हो गए, शानदार क्वेश्चन थे हमारे, पांच की पांच शानदार क्वेश्चन, और इन शानदार क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं एक आध दो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ये क्लास आपके लिए नहीं, आप लोग जाइए, है ना। हम लोग क्लास में दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं कि जो पढ़े आप करें और साथ के साथ सीख जाए, और तुम्हें जल्दी जल्दी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी वेबसाइट पे चले जाना, उसमें कम से कम 10,000 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उसे लेके घोल के पी जाओ, जाओ ये काम कर लो तुम, 10,000 क्वेश्चन पढ़े होंगे, कर लो तुम, वही करो, जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हरकत है तो सुधार लो, तुम समझ गए, तुम यही हो, यही, या तो ये या तो ये। हाँ सही है, समझ गया, हरकत है नहीं है, सही है, हरकत है, सुधार लेते सुधर जाते। अब क्वेश्चन देखो कैसे हैं, सुधर जाया करो यार, कुछ करा रहे हो, इतनी मेहनत से लेकर आया हो, नहीं क्या 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 करते जाते हो। ये हाईलाइटेड वर्ड है, आपको बस ये बताना है ये वर्ड यहाँ जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो आपको बताना है कौन सा गड़बड़ है, ठीक है। लो वर्ड स्वैप नहीं है, वर्ड स्वैप नहीं है दोस्त, ये आपको बस ये बताना है जो वर्ड है अपनी जगह ठीक लिखा है, क्रिटिक्स सही है कि नहीं, डायट्राइब ठीक है कि नहीं, पॉलिसीज ठीक है कि नहीं, डिपेंडिंग ठीक है कि नहीं, कोशिश करनी, एक मिनट दे रहा हूं, सोच के बताना, मतलब ऐसा जल्दबाजी मत करना।
क्या से क्या हो गया? इतना आसान समझाता, ये तो डिफिकल्ट बन गया। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे देते तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन। पोल ये बताती है आपकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ रीडिंग। और अभी मैं इसको करना सिखाऊंगा, कम लोगों का करेक्ट हो रहा है बट ठीक है, समझेंगे धीरे धीरे। समझ नहीं आया सर क्या करना है। हाँ और क्या, बड़ा इतना तो झूठ मत बोलो कि तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या करना है। समझ तो सबको आया, आंसर सही नहीं हो रहा तो फिर बहाने ना बनाओ। ये जो वर्ड लिखा हुआ है रीजनल, आपको पढ़कर देखना है जो रीजनल वर्ड यहाँ लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। रीजनल की जगह कुछ और तो नहीं आएगा, कहीं रीजनल की जगह क्रिमिनल तो नहीं बनना, ये देख के पहचानना और कुछ नहीं करना है। अगर सब सही लग रहा है तो बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ है तो बताना है बस। बहाने बनाते, समझ नहीं आया, समझ में आएगा तो एंड बताऊंगा। बोल इसमें थोड़ा सा ज्यादा लोग करेक्ट हैं। हाँ तीस परसेंट। देखो जिंदगी में ना दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक तरीके के वो लोग मिलेंगे कि
कि जैसे कभी लड़ाई हुई तो आपने कहा कि चलो चल रहे हो, साथ में चलेंगे और लड़ेंगे आपके साथ, टेंशन ना लो टेंशन ना लो। एक तो वो लोग होंगे, लड़ाई हुई वो चले आधे रास्ते, उन्हें देखा सामने तो यार तगड़े तगड़े लड़के हैं यार, मैं हल्का हूँ, तो रास्ते में पीछे से भाग लेंगे, कहेंगे नहीं 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 अभी मैं जिम जाके आऊंगा, अभी नहीं नहीं सर हम तो नहीं लड़ पाएंगे, अब तो मैं बीच में छोड़ जाएंगे। और अपनी इस क्लास में बहुत से लोग ऐसे हैं, सोचो तुम लोग जो लोग लिख रहे हो बार बार कि सर हमसे हो ही नहीं रहा है, सर इतना मुश्किल है, सर सर हम क्या करें, सर हम क्या करें, वो एक कह रहा है, एक लड़की कह रही कि सर सेक्शनल कट ऑफ तो मेरी लगता निकल ही नहीं पाएगी। इनने मतलब सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करे और 3 क्वेश्चन इनके खराब हो गए और ये ढेर हो गए। तो मैं लगता नहीं इतने सारे बच्चे देख के कोशिश कर रहे हो, तुम पहले ही ढेर हो तो तुम पढ़े क्यों रहे हो? तुम एक काम करो, फोन बंद कर दो, फोन बंद करो, तुम होली खेलो, जाओ होलिका दहन की तैयारी करो, जाओ जाओ ठीक है, जाओ तैयारी करो होलिका दहन की, जाओ और तैयारी हो जाए तो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देना, है ना। इन्हें बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है भैया, इतनी जल्दी बिन मेहनत सब मिल जाए, करो जरा। ये देखो अमन कह रहा है टफ लग रहा है सर, जाओ होली खेलो तुम लोग, जाओ पिचकारी खरीद के लाओ, होली खेल के आओ तुम लोग, बाकी वो पढ़ने दो, ये रो मत यहाँ पे, रोया गाई मत करो, टफ लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। बोल वेरी गुड। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हो ठीक है, तो आपने इसका आंसर किया होगा एडिटोरियल देखकर। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जितने लोगों का सही हुआ है, इन लोगों को यह भी पता होगा कि कौन सा वर्ड यहां आएगा, लिख के जरा बताना कमेंट में। ये जो लिख के बता रहे हैं, ये बाकी लोग जिनका गलत हुआ उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे कि रीडिंग से कितना हद तक, ये सबने लिखना शुरू कर दिया पैराडाइज में शिफ्ट, मैंने तो नहीं बताया ना किसी को, ये रीडिंग का ही कमाल है। तो जितने लोगों का गलत हुआ अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर भर रहा होगा कि ओके अगर हमारी रीडिंग हो रही है तो हमें बहुत से क्लू मिलते हैं। और देखो अभी तक जितने क्वेश्चन है वो सब रीडिंग का ही कमाल है, और बिल्कुल आपके सही होंगे, ऐसे कोई घबराना नहीं, मैं सबको बताऊंगा और कि कैसे कैसे करके सही हो रहे हैं ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाले को देखो, विवेक शॉ मैं आपको ब्लॉक कर दूं, अच्छा लगेगा क्या आपको बताओ, अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं ना, तो ऐसा कुछ मत करो यार कि ब्लॉक करने की नौबत आए, आप तो क्लास में पढ़ते हो यार, प्लस क्लास में भी पढ़ते हो, आप समझदार बच्चे हो आप। हाँ बोल
48% लोग करेक्ट हैं। अब जरा सुनो, जितने लोगों का भी गलत हो गया बड़े ध्यान से देखो, गलती नहीं होगी, धीरे 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 पढ़ोगे तो। ये क्वेश्चन मैंने YouTube पे कराया था, किसी को कुछ याद सा आ रहा है क्या? मतलब क्वेश्चन कुछ और था, लाइन ये थी, वो मैंने वर्ड स्वैप में दिया था, इसको मैंने इसमें दिया, कुछ याद आ रहा था? डेली पढ़ते तो 100% सही होता, सब पढ़ते तो। The state of depression, depression की जो स्थिति होती है वो अफेक्ट करती है an individual's ability, हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को अफेक्ट करती है टू थिंक रेशनली, रेशनली होता है तर्क संगति के साथ सोच पाने में, फील रियलिस्टिकली एंड वर्क इफेक्टिवली। एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, वर्ड स्वैप में था। चलो ठीक है, यहां आ जाओ। द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो फॉर्मेशन है, लेड द बेसिस, उसका जो फाउंडेशन बनता है ऑफ अ पैराडाइज्म शिफ्ट होता है, बेसिक चीजों में बदलाव, उसे बोलते हैं पैराडाइज्म शिफ्ट। पैराडाइज्म शिफ्ट की वजह से होता है, पैरामर नहीं। पैरामर इज अ वर्ड जिसको बोला जाता है कि कोई भी दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, दो चीजें जो एक दूसरे के लिए है, या कोई भी दो तरीके का एक प्रकार का पेयर, उसको हर उस जगह हम पैरामर लगा देते हैं, विच हैज नो मीनिंग ओवर हियर, गलत है यहाँ पर। इन डेवलपमेंट विच वाज एसेंशियली सपोज टू बेनिफिट द ट्राइबल ट्राइबल पॉपुलेशन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मतलब मानी गई थी डेवलपमेंट के लिए, तो बेसिक की चीजों में लग जाएगा, तो बेसिक के लिए पैराडाइज्म लगेगा, याद रहेगा पैराडाइज्म, ऐसे करके इसमें आ जाओ। देर इज एन एनॉर्मिटी पोटेंशियल, एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल नाउन है, और यहां तो एनॉर्मस है ही एडजेक्टिव, ये इसलिए गड़बड़ हो गया। मतलब आपको एग्जामिनर ये तो पूछ नहीं रहे कि क्या आएगा, बस आपसे ये पूछ रहा है कि एक्चुअली जो दिया हुआ है वो आपका सही है कि नहीं, बस। और वो तो देख के आपने पहचान लिया कि हाँ यार ये तो गलत है, एनॉर्मिटी तो नाउन होता है, तो हम डेली पढ़ते ही एटी वाले वर्ड नाउन, ओयूएस वाले एडजेक्टिव, है ना। There is an enormous potential for growth in India-US relationship, the Trump administration has said, exuding confidence, confidence को बताते हुए, दिखाते, exude का मतलब है show करते हुए, that the ongoing trade negotiations could be worked through because of friendship between the two nations, ऐसे करके, बात समझ में आ गया? Enormity का मतलब क्या होता है? एनॉर्मिटी का मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा बड़ी, दैट इज एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी। एक्ज्यूड का मतलब किसी भी चीज को शो करना, व्यक्त करना, व्यक्त करना, ठीक है। चलो यहां आ जाते हैं, एनॉर्मस होता है वो, एनॉर्मस लगाना पड़ेगा ना। वाइल द रिस्क ऑफ रीजनल स्प्रेड, रीजनल स्प्रेड का जो रिस्क है रिमेन्स हाई, वो ज्यादा बना रहता है, रिमेन्स हाई, द रिस्क आउटसाइड द रीजन रिमेन्स लो, जो रिस्क रीजनल है वो हाई बना रहता है, उसके बाहर जो रीजन जो है वो कम बना रहता है, ठीक है। WHO चीफ सेड, WHO चीफ ने ये कहा आफ्टर द प्रोक्यूरमेंट इन जेनेवा, जिनेवा में प्रक्यूरमेंट के बाद, प्रक्यूरमेंट का मतलब तो कुछ खरीदना होता है, परचेज करना, है ना। ये तो आपने फार्म, फार्म प्रक्यूरमेंट, फार्म बिल को लेकर इतना भी बवाल हो रखा था, वो तो काफी कॉमन टर्म है प्रक्यूरमेंट, खरीदना, तो कुछ खरीदने बेचने की बात तो है ही नहीं रही, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ और हो सकता था, हालांकि अनाउंसमेंट है, कुछ और होता, असेसमेंट होता, या कुछ भी होता, मतलब जो आपका इसमें सेंस बन सकता था, बट ये गलत हो गया। द इंटरनेशनल इमरजेंसी शुड नॉट बी यूज टू स्टिग्मेटाइज और पेनलाइज, स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंक लगाना किसी पर, कुछ नेगेटिव कुछ इमेज बनाना, दैट इज स्टिग्मेटाइज करना, कुछ नेगेटिव किसी की इमेज बना देना, किसी को नेगेटिव कर देना, दैट इज स्टिग्मेटाइज करना, है ना, स्टिग्मेटाइज, बाकी करेक्ट है। चलो, स्टिग्मेटाइज और पेनलाइज द वेरी पुअर, वेरी पीपल हु आर मोस्ट इन नीड ऑफ हेल्प, जिनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहां आ गए, क्या आएगा इसमें, इसमें प्रक्यूरमेंट हट जाएगा, फिलहाल इसकी जगह अनाउंसमेंट है, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है ना। इधर आ जाओ, डिस्पाइट क्रिटिक्स, क्रिटिक्स तो बोला जाता है लोगों को, पर्सन को बोला जाता है क्रिटिक्स, है ना।
हम कह रहे क्रिटिक्स नहीं, क्रिटिसिज्म है तो दोनों ही दोनों नाउन, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। क्रिटिसिज्म का मतलब कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा है कहीं पर, तो हम उस क्रिटिसिज्म की बात करें जो हर जगह क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो हमने कहा खूब सारे क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी फ्रॉम डेमोक्रेट्स, खूब सारी निंदा होने के बावजूद भी फ्रॉम डेमोक्रेट्स, क्योंकि क्रिटिक्स तो लोगों को बोला जाता है, क्रिटिसिज्म है सिचुएशन को बोला जाता है। अंदर समझ में आ रहा है इस चक्कर में आएगा। एंड हिज कॉमेंट्स, और उनके कॉमेंट्स से अबाउट दी फोर माइनॉरिटी कांग्रेस वेमन आर रेसिस्ट, मिस्टर ट्रम्प वेंट ऑन अ 20 मिनट डायट्राइब अबाउट देम। डायट्राइब का मतलब होता है उनके बारे में बोलना। वैसे डायट्राइब तो बोलियों को बोला जाता है, किसी भी भाषा की जो बोली होती है वो डायट्राइब होती है, वैसे कुछ बोलना भी डायट्राइब कहलाता है। सेइंग, ये कहते हुए दे वर वेलकम टू लीव द कंट्री, बेहतर होगा वो कंट्री छोड़ दें इफ दे डू नॉट लाइक हिज पॉलिसीज ऑन इश्यूज सच एज इमिग्रेशन एंड डिफेंडिंग इजराइल। सिंपल इस तरीके से हमारे सामने यूज हुआ। हाँ, वो संवाद कह सकते हो आप। सर जी, यहाँ हिज क्यों आया? हिज मतलब आया है ट्रंप के कमेंट की बात हो रखी है, इसलिए हिज आया। ठीक है, चलो अपने वाले क्वेश्चन हो गए, आपके 10 बज चुके हैं। आप जाओ अभी अरुण सर की क्लास लो, उनका टेस्ट है, बाकी हम आगे के करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट दोस्तों अपना मिलेगा 3 बजे। आज बताओ सेशन बढ़िया लगा कि नहीं मिला? लगा बढ़िया? 3 बजे 4 बजे दो सेशन ही करेंगे। वैसे तो मैंने आधे घंटे का ही सेशन कहा था, आधे घंटे सेशन लूंगा, यार 1 घंटा निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा निकल गया है ना। वो तो अभी लोगों लेकर अरुण सर की क्लास है, मैं तो आधे आधे घंटे सोच गया था आधे आधे घंटे करेंगे, वरना मैंने कहा आप लोग ज्यादा एंगेज हो जाओगे। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, जितना सीख लोगे अच्छा है। ठीक है, 3 बजे 4 बजे दो टेस्ट होंगे, फिर 7 बजे 8 बजे बस, फिर उसके बाद होली खेलना। ठीक है, चलो खत्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।